عثمان ذي الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं सोफियाज ब्लॉग, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है ना, लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, उसके अलावा बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं बहुत अच्छी है, और उसको हम कहते हैं मैक्रोनीज। मैक्रोनीज एक अलग तरीके से। तो सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है, और उसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच ऑयल के डाल देंगे। उसके अलावा मैक्रोनीज के लिए हम लोग को जो सामान चाहिए इंग्रेडिएंट्स, वो है मटर। हमने मटर ले लिए हैं, एक बड़ी जो बाउल होता है वो। उसके अलावा एक शिमला मिर्च ले लिया, कट कर लिया, एक प्याज, साथ में टोमेटोस ले लिया हमने, जो कि हमने बॉईल करके मैश कर लिया। उसके अलावा हमने 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले ली है, थाइम्स ले लिया है, और साथ में विनेगर, चिली सॉस, सोया सॉस, और साथ में हमने ले लिया है कॉर्न, स्वीट कॉर्न। तो सबसे पहले हमारा जो एक अनियन है वो हमने डालना है 2 स्पून ऑयल में। अब हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना, हल्का और नॉर्मल फ्राई करना है। लोगों ने ले लिया है 1/2 फ्रेश पीस चिकन, और उसके पीसेस कर लिया हमने। अब हमारा जो अनियन है वो फ्राई हो चुका है। अब हमने हमारा जो 1/2 ब्रेस्ट पीस चिकन है इसके अंदर डाल देना है, और इसको इसके साथ फ्राई कर लेना है। और उसके अलावा हमने इसके अंदर साथ ही डाल देना है 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे अनियन और गार्लिक पेस्ट के साथ, जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। Let it fry for 2 to 3 minutes. हमने हमारे मैक्रोनीज के लिए 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हमने चिली पाउडर ले लिया है, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, और 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर ले ली है। अब जैसे कि हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है, अब हमने इसके अंदर हमारे मैश्ड टोमेटोज डाल देंगे। 3 मैश्ड टोमेटोज हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और साथ में इसको भी चिकन के साथ 2 मिनट्स के लिए फ्राई होने देंगे। जो हमारे पीस थे वो हमने बॉईल कर लिए हुए हैं, उसके अलावा ग्रीन पेपर भी हमने कट कर लिया, पर अभी बॉईल नहीं किया, इसको हम फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर हमारे वेजिटेबल्स डाल देंगे, पीस और ग्रीन पेपर, तो हमने डाल दिए। अब हम चिकन के साथ इसको भी फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल्स फ्राई होने में टाइम लगता है, आपको हमने बताया कि जो हमने पीस हैं उसको हमने बॉईल कर लिया था। हाफ कैबेज हमने लेकर उसको कट कर लिया है। हमारे जैसे कि चिकन, पीस और ग्रीन पेपर हो चुका हुआ है फ्राई, अब हम इसके अंदर हमारा कैबेज डाल देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर हमारी कॉर्न डाल देंगे। स्वीट कॉर्न हमने लिया था, बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा हमें खाने इसके अंदर। अब हम इसको 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। हमारे सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर और शुगर डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि जो हमारे एसेंशियल्स हैं वो सारे एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर विनेगर डालेंगे, 1 टेबलस्पून विनेगर डाल लिया हमने। उसके अलावा अब हम इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे, चिली सॉस हमने 2 टेबलस्पून डालनी है। उसके अलावा हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे, वो भी हम 2 टेबलस्पून डालेंगे।
अब हम इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए बनने देंगे ताकि जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और सही तरह से फ्राई हो जाएं। क्रॉनीज हैं, हमने 2 पैकेट्स ले लिए थे मैक्रॉनीज के, अब हम वो इसके अंदर डाल देंगे और हाफ ऑफ फिर कर इसको पहले मिक्स करेंगे हमारे मिक्सर के साथ, ताकि जो मिक्सर है हमारा सारी मैक्रॉनीज के साथ मिक्स हो। अब हम इसके ऊपर जो थाइम्स हैं वो स्प्रिंकल कर देंगे सारे। अब हमने टाइम स्प्रिंकल कर दिया, अब हम इसको कवर करके सिर्फ 2 मिनट्स तक पकने देंगे ताकि जो टेस्ट है वो अच्छा आ जाए। रहीम, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो मैक्रॉनीज हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। जज़ाकअल्लाह।